एक बड़ा कोलोक्वल लैंग्वेज में यूज करते हैं टर्म, या टाइम पास कैसे करें। तो टाइम पास के लिए सबसे बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट आ गया है मोबाइल। यू डोंट वॉन्ट टू बी विद योरसेल्फ, यू वॉन्ट टू बी विद दैट मोबाइल, यू वॉन्ट टू एंटर इन टू दैट मोबाइल एंड टू फाइंड आउट दिस दैट, लिसन दिस फोटोग्राफ, सी दैट वीडियो, लिसन टू दैट म्यूजिक और रीड दोज मैसेजेस। And there are multiple platforms to do that. But you don't want to be with yourself because you're afraid of yourself. आप अपने स्वयं की कंपनी में रहने से घबराते हैं, आपको अचानक से बोरियत होने लगती है, सफोकेशन होने लगता है, समझ में नहीं आता कि क्या करें, टाइम पास नहीं हो रहा है। उसका कारण यह है दैट यू हैव नॉट ट्रेन्ड योरसेल्फ ओवर द इयर्स टू बी विद योरसेल्फ। एंड डू यू नो अ यूनिवर्सली प्रूवन फैक्ट दैट अ चाइल्ड अप टू 5 years, इफ यू लीव हिम अलोन, जस्ट विटनेस, वो अपने आप से बातें करता है। खिलौने से खेलते खेलते कुछ कुछ बोलेगा, कुछ कुछ बड़बड़ाएगा, इधर से उधर भागेगा। ही डज नॉट नीड एनी अदर थिंग। अप टू 5 years इट्स सेड दैट द मोमेंट यू आर बॉर्न एज अ प्योर सोल विद एब्सोल्यूट प्योरिटी। एब्सोल्यूट प्योरिटी व्हेन आई से इट मींस दैट यू आर नॉट गवर्न्ड बाय 5 दुर्गुण। अप टू 5 years ना आपके अंदर काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, कुछ नहीं है। 5 साल की उम्र तक काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर से आप परे हैं, आपको कुछ ये सब थॉट ही नहीं मालूम। काम मींस कामना, यू डोंट हैव मच डिजायर्स, वी आर प्योर सोल। एंड द मोमेंट वी ग्रो in age, you realize that you're actually not growing in true sense, you are decaying. Because growth is when you develop higher up. और कहा जाता है वेदों के अनुसार, ऐसा कहा जाता है कि आपकी उम्र जब बढ़ती जा रही है और तमाम तरह के विचार आपको घेर रहे हैं, तो ये ऐसा है जैसे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उसे निग्लेक्ट करके रख दिया अपने घर में। आप अगर उस प्रोडक्ट को अचानक से अपने ही घर में साल भर बाद ढूंढ के निकालेंगे तो आप देखेंगे उस पर धूल जम गई है, उस पे कहीं काई लग गई है, कहीं कुछ गंदगी है। और उस प्रोडक्ट को वापस यूज करने के लिए अगर आप निकालेंगे तो पहले आपको उसे साफ करना पड़ेगा। कैन यू यूज इट आफ्टर ईयर एज इट इज? यू कांट। यू हैव टू अप्लाई योरसेल्फ टू फर्स्ट मेक इट यूजेबल एंड नाउ थिंक that you are neglecting yourself for ages. Years after year, you are not meeting with yourself. How much neglect? Kitni dhool pad rahi hai aapke upar? Aur jab wo us dhool ko aap saaf hi nahi kar rahe, tamam si man mein jo dharnaye hain wo baithti ja rahi hain. Kyunki aap apne aap se to mulaqat hi nahi kar rahe, you are not attending yourself. You are busy time passing in this or that or that or that. You are not even devoting 10 minutes in isolation with yourself. Agar aap 10 minute bhi apne aap ke saath bitayein, to wo dhool nahi jam payegi. Aur isliye Ved kehte hain ki ye jo depression, ye jo distress आप फील करते हैं,
विद द ग्रोथ विद ऑफ एज, वो सिर्फ इसीलिए कि आपने कभी उस धूल को झाड़ने का समय स्वयं को दिया ही नहीं। अगर आप अपने स्वयं के साथ कुछ मिनट पर डे बिताएं और अपने आप को पहचानते चलें, acquainted with yourself, you would gain a knowledge of yourself. That means you will have the right assessment of your qualities, of your strength, of your weaknesses. आपको स्वयं के बारे में ज्ञान होने लगेगा कि ये काम मैं नहीं कर सकता और ये काम मैं कर सकता हूं, और जो काम मैं कर सकता हूं अगर उस काम में लग जाऊंगा तो डिप्रेशन होने का सवाल नहीं, और जो काम मैं कर ही नहीं सकता और उस काम में लगा हुआ हूं और जो डिस्ट्रेस और डिप्रेशन फील कर रहा हूं, जिस दिन वो रियलाइजेशन होगा कि दिस आई एम नॉट मेंट टू डू, यू वुड चेंज योर पाथ एंड डिस्ट्रेस विल बी अवे। जब मैं छोटा था तब अमिताभ बच्चन वॉज ऑन द प्राइम, बहुत प्रभावित थे हम, मैंने तो बाल भी बढ़ाए थे यहां तक, हमारे टीचर्स बड़े बदमाश थे, उन्होंने काट दिए, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरा स्वप्न था कि मैं भी अमिताभ बच्चन बन जाऊं, आई वॉन्टेड टू फॉलो हिम, आई ट्राइड टू कॉपी हिज स्टाइल ऑफ वॉकिंग, हिज स्टाइल ऑफ टॉकिंग। बहुत सारी उस जमाने की फिल्में देखेंगे तो उनकी फिल्मों में बहुत बड़े बड़े गॉगल्स पहनते थे, मैं भी खरीद लाया, आधा चेहरे ही ढक जाता था इतना बड़ा गॉगल पहन के, फिर भी घूमते थे। लेकिन ग्रेजुअली रियलाइज हुआ कि अरे मैं वो नहीं बन सकता, बिकॉज दैट इज हिज पर्सनैलिटी, हिज स्ट्रेंथ, नॉट माइन। तो फिर लगा कि अरे चलो सुनील गावस्कर बन जाते, अमिताभ बच्चन तो नो नो हो गया। तो बैट खरीद लाए, क्रिकेट खेलने लगे, दो चार बार चोट लगी तो समझ में आया नहीं ये तो नहीं बन सकते, ये तो इम्पॉसिबल है, इतनी चोट लगती है। तो सुनील गावस्कर भी पीछे हट गए, फिर किशोर कुमार समझ में आए चलो गाना गाते हैं, वो तो जब कोशिश की तो जो थोड़े बड़े लोग परिचित थे वो भी भाग गए। मैंने कहा आप और गाना, माफ करो, वो भी रियलाइज हुआ। तो लुढ़कते पुढ़कते घिसते घिसाते फाइनली पुनीत चतुर्वेदी बन गए, बिकॉज यही बनने के लिए ऑर्डेंड थे। स्वयं कल्पनाओं में कुछ भी बनना चाहें, but where you are ordained, you'd become that. And the moment this realization comes into you, there will be realization and happiness, not the distress. The entire distress is when there is no realization, when there is no knowledge. And the realization, the trick to reach to that realization is, spend some moments with yourself in 24 hours. This is my first Guru Mantra of today to you. Begin by 1 minute per day. कोशिश तो कीजिए, धीरे धीरे शायद आपको अपने साथ अच्छा लगने लगेगा, उतनी घबराहट नहीं होगी, उतना डिप्रेशन नहीं होगा। You would start feeling that realization in you, that strength in yourself, that I want to spend some moments with myself. और आप देखिए हमारे अपने स्क्रिप्चर्स में ये प्रावधान मिलते हैं, ये कोई नई बात नहीं बता रहा। आप देखिए मौन एक प्रक्रिया है, ध्यान एक प्रक्रिया है, ध्यान कोई आप पब्लिकली तो कर नहीं सकते, कलेक्टिवली नहीं कर सकते, ध्यान में तो अकेले ही रहना पड़ेगा। ध्यान, मौन, एकांत, ये सब वर्ड सुने हैं ना आपने, तो कोई मैं नई चीज नहीं बता रहा। वो एकांत हमारे स्क्रिप्चर्स में है, कुछ क्षणों का एकांत, एकांत से एकाग्रता बनती है,
एकाग्रता बिना एकांत के संभव नहीं, और एकाग्रता से ज्ञान प्राप्त होता है। बिना एकाग्रता के ज्ञान संभव नहीं, और मन एकाग्र होने नहीं देता। मन कभी आपको एकाग्र होने नहीं देगा, ये भी याद रखिए। मन का तो स्वभाव ही चंचल है, इट जंप्स लाइक अ हॉर्स न्यूबॉर्न, इट डज नॉट रिमेन स्टैटिक ऑन अ पॉइंट। सुशारथिश्वान इव यन मनुष्य नीयते भीषो इरवाजिन इव। जिस प्रकार एक कुशल सारथी घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखता है, तब वो घोड़ा रथ को गंतव्य तक पहुंचाता है। अगर घोड़े की लगाम आपके सारथी के हाथ में नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि घोड़ा रथ को अपने आप डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगा? इज इट पॉसिबल? अगर मॉडर्न डे में कहें तो घोड़े और रथ को छोड़ दीजिए, आपकी कार का स्टीयरिंग आपका आपके हाथ में नहीं है, तो आपकी कार आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकती है? नॉट पॉसिबल। यू हैव टू कीप द कंट्रोल, देन ओनली यू कुड रीच टू अ डेस्टिनेशन। और ये श्लोक कहता है कि मन रूपी चंचल घोड़े को बुद्धि रूपी लगाम से कसकर रखेंगे तो एकाग्रता से गंतव्य तक पहुंचेंगे। मन की सुनी तो धोखा ही धोखा। बुद्धि से मन को कंट्रोल नहीं किया तो परिणाम नॉर्मली डिजास्ट्रस होते हैं। आप देखिए, आप लॉ स्टूडेंट्स हैं, आईपीसी में 511 क्राइम्स दिए हुए हैं। वो 511 क्राइम करने वाला आप एनालाइज कर लीजिए, कहीं ना कहीं मन से गवर्न हुआ, इसीलिए वो क्राइम किया। आप चोरी नहीं करते डिस्पाइट बीइंग अट्रैक्टेड टू सम प्रोडक्ट। आपको एक बहुत अच्छा मोबाइल चाहिए, आई एम गिविंग एग्जाम्पल। आप शॉप पर गए, आपने पसंद किया, बहुत अच्छा लग रहा है, पहला थॉट क्या आता है? भैया इसकी कीमत कितनी है? उस कीमत को जानने के बाद सेकेंड थॉट आता है, आई हैव टू अरेंज दिस मनी टू परचेज दिस। क्या ये मन में आता है? चलो मैं चुरा लेता हूं। मन में आ भी जाए तो बुद्धि कहती है पागलों के, नहीं नहीं, बुद्धि कंट्रोल करती है ना मन को, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये नहीं करना। लेकिन जिस आदमी के मन को बुद्धि कंट्रोल नहीं करती, वो चोरी करता है। मन से चला ना, लिफ्ट अप किया, पकड़ा गया, आईपीसी की धारा लगी 379, और कहां आ गया? चतुर्वेदी जी के ऑफिस में। फिर मेरे पास आकर कह रहे, सर मेरा बहुत मन था इसलिए ले लिया मोबाइल। क्राइम हुआ तो मन से हुआ, बुद्धि से नहीं हुआ, क्योंकि बुद्धि तो वॉर्न करती है, डोंट डू दिस, गलत है, मत करो। बहुत सारे लड़के लड़कियों को फॉलो करते हैं, करते हैं? आजकल रिवर्स भी हो रहा होगा, पता नहीं, हमारे जमाने में तो सिर्फ यही ट्रेंड था। क्यों करते हैं? क्योंकि मन होता है, मन हो रहा है यार, एक बार बात हो जाए। बुद्धि कह रही है मत पड़ पीछे भाई, लेकिन मन नहीं कंट्रोल में आ रहा।